क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज 1.1 है हमारे सामने। उसका क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिंगेंट ऑफ 16 मेंबर इज 2 मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ प्लेन। एक आर्मी कॉन्टिंगेंट में 616 मेंबर है, वह बहुत है एक प्लेन में होने के लिए। एक कॉलम में 32 मेंबर रहेंगे, तो टू ग्रुप आर मर्ज टू इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मर्ज। तो पूरा कितना कॉलम बनेगा, एक कॉलम में 32 मेंबर है तो 16 मेंबर में कितने कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग करेंगे, वी हैव टू फाइंड एस सी एफ ऑफ 616 एंड 32। इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एस सी एफ निकालेंगे बाई वाई इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो है डिविडेंट है, तो डिविडेंट किसको लेंगे? ये जो बड़ा रहेगा उसको डिविडेंट लेंगे, ये बड़ा है तो इसको डिविडेंट ले लेंगे। 616 इजकल टू, अब ये डिवाइजर है, जो छोटा रहेगा उसको डिवाइजर लेंगे। अब 32 को 616 में भाग देंगे तो कोई कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। इधर भाग देकर देखते हैं, रेफ फिगर करते हैं, इधर अप करना है तो 32 से डिवाइड करेंगे 166 को, एक बार मिला रहेगा 32, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9 2, 6 को उतार देंगे 9 बार में लगेगा 288, गुना करेंगे तो आएगा 288, अब घटाएंगे तो 8 आएगा, कट जाएगा। तो देखें यहाँ पर कोशेंट आ गया 9 3, प्लस रिमाइंडर आ गया 8। अब क्या करेंगे, इस 32 को डिविडेंट ले लेंगे, 32 और 8 को डिवाइजर। अब 32 को 8 से 32 में डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कोई कोशेंट आएगा 4 बार में, 32 कोशेंट आ गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया, तो 0 रिमाइंडर 0 हो गया, तो एस सी एफ इसका हो जाएगा, एस सी एफ हो गया 8 तो हो जाएगा एस सी एफ। अंतिम लास्ट वाले में डिवाइजर जो रहेगा वो एस सी एफ रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8।